देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है, देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र, इंद्र सिंहासन तक सीमित है। पवन देव पवन के भाव तक सीमित है। जल देव जल के भाव तक सीमित है। अग्नि देव अग्नि के भाव तक सीमित है। चंद्र देव चंद्र के भाव तक सीमित है। सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित है। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्नि देव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्र देव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म करना। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं, केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहां नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो